एक रुपए के लायक भी नहीं है ये भारतीय खिलाड़ी, फिर भी आईपीएल 2024 में ले रहा है 11 करोड़ की मोटी रकम। जी दोस्तों, सही सुना आपने। तो ऐसे में क्या इस खबर की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपके लिए जानना बन जाता है बेहद जरूरी। तो दोस्तों अंत तक बने रहे, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप भी हो अपने फेवरेट आईपीएल टीम के फैन तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्रिकेट के हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रह सको। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का कारवां रोमांचक अंदाज में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। टूर्नामेंट के 7 मुकाबले खेले जा चुके हैं। जी अब तक सीजन में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय और विदेशी खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करते दिखाई दिए हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बीच टीम इंडिया के एक खिलाड़ी ने अपने फ्लॉप प्रदर्शन से सभी का दिल दुखाया है। आईपीएल 2024 ऑक्शन में 11 करोड़ का बिकने वाला यह खिलाड़ी अपनी टीम पर बोझ साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, पिछले साल दुबई में हुई आईपीएल 2024 की नीलामी में देशी और विदेशी खिलाड़ियों पर पैसों की खूब बौछार हुई थी। फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम मजबूत करने के लिए अपनी तिजोरियां खाली कर दी थी, ऑक्शन में खूब पैसे खर्च किए हैं। जी दोस्तों, आईपीएल 2024 में पीसी जिंटा ने 11 करोड़ का एक दांव ऐसा खेला जो कि अब तक सीजन में गलत साबित हुआ है। दरअसल उन्होंने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन हर्षल पटेल आईपीएल 2024 में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। कप्तान शिखर धवन ने उन्हें 2 मुकाबलों में अपनी उपयोगिता साबित करने का मौका दिया, जिसमें वह बुरी तरह से फेल साबित हुए। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल के साथ खेले गए मैच में हर्षल पटेल ने महज 2 विकेट झटकने में ही कामयाब हुए। इसके बाद 25 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ हुई भिड़ंत में उनके हाथ एक ही सफलता लगी। आपको बता दें कि हर्षल पटेल का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। पूरे टूर्नामेंट वह विकेट लेने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले हर्षल पटेल की फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज करने का फैसला किया है। जी दोस्तों, आईपीएल 2023 में हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का हिस्सा थे। उन्होंने 13 मुकाबलों की 13 पारियों में कुल 14 विकेट झटके थे। इस दौरान हर्षल पटेल का एवरेज 32 और इकोनॉमी 9 की रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के बावजूद हर्षल पटेल पर पंजाब किंग्स ने भरोसा जताया और उन्हें करोड़ों रुपए देकर खरीदा, लेकिन वह टीम की उम्मीदों पर अभी तक खरे नहीं उतर पाए हैं। हालांकि अब कप्तान हर्षल पटेल को एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करने का मौका दे सकते हैं। तो दोस्तों, हर्षल पटेल के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और क्रिकेट की ऐसी खबर के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।